Hello my dear kids, welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are learning English grammar of class 7th. Here is a book and the name of a book is Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 11. And the name of the chapter is Non-Finite Verbs. There are two kinds of verbs in English. English जो है English में two kinds के आपको verb मिलेंगे. Finite verbs and non-finite verbs. All such verbs that are limited by person, number and tense are called finite verbs. वो सारे verbs जो किसी एक particular पर्सन नंबर या फिर टेंस तक लिमिटेड है उन्हें ही हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स. वर्ब्स दैट आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर पर्सन और टेंस दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वो सारे वर्ब्स जो किसी पर्सन नंबर या टेंस तक लिमिटेड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. इट इंक्लूड्स इन्फिनिटिव्स जुरंड्स and participles. तो ये जो non-finite verbs हैं इनमें जो है infinitives, gerunds और participles भी आते हैं. The infinitives is also referred to as the two verb. ये जो infinitives हैं इन्हें हम two verbs भी कहते हैं. But it can be used with or without two. लेकिन इन्हें हम टू के साथ भी और बिना टू के भी यूज कर सकते हैं. द इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स व्हेन अ वर्ब मेरिली सजेस्ट एन एक्शन एंड इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर ऑफ एंड पर्सन. जब जो वर्ब होता है वो एक एक्शन को सजेस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करने का काम करता है और उसको कोई मतलब नहीं होता है कि कितने लोग हैं या कितने नंबर्स हैं या फिर कितने पर्सन हैं. ऐसे ही वर्ब्स को हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं जिसे कोई भी मतलब नहीं है कितने पर्सन की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी. द इन्फिनिटिव्स इज यूज्ड लाइक अ नाउन. इन्फिनिटिव को यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ किया जाता है. It can be the subject or the object of the verb. ये subject भी हो सकता है और object भी हो सकता है verb का. For example, children love to go out. तो यहाँ पे क्या है? To go क्या है? Object का काम कर रहा है. Second one, to err is human. To forgive, divine. तो यहाँ पे to err means error. क्या है? एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है. आपने देखा होगा दोनों ही सेंटेंसेस में टू गो और टू एयर जो है यूज किया गया है. यहाँ पे टू गो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है और जो सेकेंड सेंटेंस में है उसमें टू एयर जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया गया है. द इन्फिनिटिव कैन ऑल्सो बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. ये जो इन्फिनिटिव्स है इन्हें हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज आई वॉज अबाउट टू लीव. अब आपको पता है टू एक प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है. व्हेन एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू द इट इज कॉल्ड अ बेयर इन्फिनिटिव. जब इन्फिनिटिव को यूज किया जाता है बिना टू के इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. After the verb shall, will, do, did, should, would, might and the verbs must, can and could, we use the infinitive without to. So, ये जो words दिए गए हैं ये इनकी जगह पे आप कह सकते हो after the verbs, इन सारे verbs के बाद and the verbs must, can, could, इन सारे verbs के बाद we can use the infinitive too.
सो इन सारे जो वर्ब्स हैं इन सब के बाद हम टू लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डू द वर्क ईजिली. सुनील मे गो देयर. नाउ बी पॉइंट सेज वी यूज द इन्फिनिटिव विदाउट टू आफ्टर दीज वर्ब्स. तो इन सारे वर्ब्स के बाद भी हम टू को यूज करते हैं, जैसे कि लेट हो गया, मेक, डिड, डेयर, नीड एंड एज वेल एज. आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है इनके बाद भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी, हियर, वॉच, नो, फील. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आई हर्ड हिम क्राई विथ पेन. Now children, let's carefully observe the use of two infinitive with their and need in the following sentences. तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, टू को कैसे यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव टू जो है उसे कैसे यूज किया जाता है डेयर और नीड के साथ. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी डेयर टू डिसोबे द लॉज. तो इसे जब हमने टू के साथ यूज किया तो क्या बना, टू Not use, यहाँ पर टू को यूज नहीं किया गया है. तो क्या बनेगा सेंटेंस, शी डेयर नॉट डिसोबे द लॉज. नेक्स्ट सेकेंड वन, यू नीड टू गो देयर एंड टू नॉट यूज, यहाँ पर भी टू को यूज नहीं किया जा रहा है तो टू की जगह पर हमने नॉट को यूज कर लिया है. यू नीड नॉट गो देयर. It should be clear that we retain two in positive sentences. इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जाए तो टू को यूज किया जाएगा. But drop in a negative sentence. लेकिन जब हम negative सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम टू की जगह पे not का यूज करेंगे. Next point says we use the infinitive without two after these expressions. हम टू को जो है इन्फिनेटिव टू को हम यूज़ करते हैं आफ्टर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद हम यूज़ करते हैं, हैड, बेटर, वुड, रैदर, सूनर दैन, रैदर दैन. फॉर एग्जांपल, आई वुड रैदर डाई दैन बेग. टू इज ऑमिटेड आफ्टर दैन एंड आफ्टर बट. टू को जो है दैन और आफ्टर के बट के बाद जो है omit means हटा दिया जाता है. For example, she can bring, she can better sing than dance. तो यहाँ पे than word use किया गया, इसलिए यहाँ पे two को omit कर दिया गया है. So these points children we have to keep in mind. Now let's move on to the first exercise of our book of this chapter. This is exercise A. Fill in the blanks with the infinitive forms of the verbs in the bracket with or without two. तो two के साथ भी आप लिख सकते हैं, without two भी लिख सकते हैं, whichever way will be the best one. As the case may be. So here the first one is let us dash. So here it will come let us eat. Second is I am sorry dash this. To learn this. Third one is I hope dash the order. To win the order. Clear children? So like this complete these questions. Next is participle, the participles. अभी हमने infinitives के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे participles क्या होते हैं. A participle in is a word that does the work of both an adjective and a verb. तो participle जो है वो word है जो adjective का भी काम करते हैं और verb का भी काम करते हैं. For example, we found the guest waiting for us. There are three kinds of participles. तीन तरीके के participles हैं. A participle is a verbal adjective. आप कह सकते हो एक तरीके का ये verbal adjectives हैं. First comes the present participle. It describes an incomplete action or state. So, ये किसी भी incomplete action या फिर state के बारे में बताता है. For example, the burning train. Now, what are the uses?
and as adjectives. Example is a talking doll, a doll that talks. तो ये क्या किया हमने, टॉकिंग डॉल जो सेंटेंस है हमने से पार्टिसिपल में चेंज किया है. सेकेंड इज एज एडजेक्टिव विच आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब. एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं जो वर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. एग्जाम्पल द न्यूज इज थ्रिलिंग. नेक्स्ट सी पॉइंट सेज एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पुलिस फाउंड द थीफ स्लीपिंग. तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है. एज वो एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब. इसे हम एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन केम रनिंग इन टू द टेम्पल. सो यहाँ पे रनिंग क्या है, इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब. Next comes the past participle. Here it denotes an action or state which is complete. ये एक ऐसे action के बारे में बताता है जो अभी complete हो चुका है. For example, the broken window. Window टूट चुकी है. If the participle is formed from a transitive verb, it is passive in form. अगर ये जो participle है इन्हें हम transitive verb से form करते हैं तो ये जो है passive हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द इंज्योर्ड मैन. तो क्या बन जाता है, ये द मैन वॉज इंज्योर्ड. द पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये जो है थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का एंड इट यूजली एंड्स इन ई डी डी टी ई एन एंड एन. तो ये ज़्यादातर इन सारे वर्ड से एंड होता है. नाउ लेट्स लर्न द यूजेज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल. एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डैमेज्ड कार. कार कैसी है, डैमेज्ड. तो यहाँ पे डैमेज वर्ड क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है. सेकेंड वन इज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसे यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दे आर एक्साइटेड. थर्ड वन इज एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया जा सकता है. यू शुड गेट योर वर्क चेक्ड. डी वन इज एज वर्ब टू मॉडिफाई द वर्ब्स. एज एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के फॉर्म में यूज किया जाता है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन रैन इंडोर्स फियर्ड. नाउ सी पॉइंट सेज अ परफेक्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड पॉइंट. सो इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज हैविंग बीन कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम. ये जो है क्या बताता है, ये ऐसा एक्शन बताता है जो कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका है. इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग हैविंग और हैविंग बीन. इसे जो है हैविंग या फिर हैविंग बीन से ही बनाया जाता है इन द पैसिव फॉर्म. व्हाट आर द यूजेस, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एक्शन बिफोर द सेकेंड वन टुक प्लेस. ये फर्स्ट एक्शन के बारे में बताता है सेकेंड वन के स्टार्ट होने से पहले. फॉर एग्जाम्पल हैविंग टेकन माई मील्स I went to sleep. Second one is to combine sentences. Sentences को combine करने के काम आता है ये. For example, I took milk, I went to work. Having taken milk, I went to work. So we have modified the sentence here. What is let's learn the interpretation column. A participle is generally used to join an introductory statement to a principal statement. ये जो participle है इसे जो है generally use किया जाता है introductory sentence को principal sentence से join करने के लिए. For example, I found Tanya, Tanya was reading a book. तो अब हमने इन दोनों sentences को join कैसे किया, I found Tanya reading a book. A clause introduced by when may be replaced by on and a participle. For example, when we saw a restaurant, we decided to have a cup of tea. So, kya ban gaya iska answer? On seeing a restaurant, we decided to have a cup of tea. Now children, let's move to B exercise. Join these sentences with suitable participles and rewrite them. To yahan pe kuch sentences hone hame join karna hai participle se aur dobara se likhna hai. First is, they removed his coat, he rushed to the driver.
सो यहाँ पे हमें इसे पार्टिसिपल से ज्वाइन करना है. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? देव रिमूव्ड हिज कोट एंड रश्ड टू द ड्राइवर. सो यहाँ से ये ही हट जाएगा और हो जाएगा एंड. देव रिमूव्ड हिज कोट एंड रश्ड टू द ड्राइवर. सेकेंड वन इज रोहित सॉ हिज फ्रेंड ही वॉज स्टॉपिंग हिज बाइक. सो वॉट विल बी द सेंटेंस? रोहित सॉ हिज फ्रेंड स्टॉपिंग हिज बाइक. सो यहाँ से ही वॉज हट जाएगा. सेंटेंस क्या बनेगा? रोहित सॉ हिज फ्रेंड स्टॉपिंग हिज बाइक. अपनी बाइक को स्टॉप करते हुए देखा. इट वॉज संडे ऑल शॉप्स वर क्लोज. लीना ओपन द ड्रॉर शी सॉ अ रिंग. Manav read the news. Manav rushed out of the house. And Sameer entered the room. He found his mother sitting on the sofa. So these four questions, children, you have to do on your own. Now, as we have learned about participles, now let's learn about gerund. What are gerund? The word which is like a verb but performs the work of a noun. जेरेंड क्या होता है? ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की तरह दिखते हैं लेकिन नाउन का काम करते हैं. वी मे से दैट अ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जेरेंड होता है वो एक वर्बल नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल डांसिंग इज एन आर्ट. अब आपको पता है कि डांसिंग क्या है? एक वर्ब है. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में डांसिंग क्या कर रहा है? एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है. Adjectives and verbs which are always used in combination with the preposition. वो adjectives और verbs जिन्हें हम हमेशा use करते हैं preposition की combination में. For example, think of, tired of, go through, subject to, must be followed by a gerund. इन्हें हमेशा जो gerund इनके बाद आता है, not by an instinctive. Example is Priyanka thought of resigning from her job. Priyanka ne apne job se resign karne ka socha. Now what are the uses of gerund? The subject of the verb. Subject jo hai ye verb ke subject ke roop mein hum ise use kar sakte. For example, the swimming is easy to learn. To yahan pe swimming ek verb hai lekin yahan pe as a subject hum ise यूज कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है. शी लव्स रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. वी शुड यूज अ जेरेंड व्हेन फॉर इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस. हम जेरेंड को तब यूज करते हैं जब हम फॉर को यूज करते हैं किसी भी पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल We go to school for learning. अब आप देखो यहाँ पे for का use हो रहा है और यहाँ पे एक purpose बताया जा रहा है कि learning का ही purpose पूरा करने के लिए हम school जाते हैं. Now, as we have learned, let's do exercise number C. Join the following sentences with gerunds. यहाँ पे इन sentences को हमें join करना है. First one is, we opened the door, we went inside. So children, the first question is, we opened the door, we went inside. अब आंसर क्या बनेगा? Opening the door, we went inside. So let's write it here. Opening the door, we went inside. So this is the answer of the first one. Now children, let's move on to the second question. He walked on the edge, he fell into the pond. So kya sentence banega? Walking on the edge, he fell into the pond. So walking on the edge, full stop at jayega, he fell into the pond. Similarly, third one, we had no one to guide us, we lost our way. So, yahan pe jo hai sentence banega, having no one to guide us, we lost our way. Kya banega?
थर्ड वन इज, आई एम राइटिंग इट हियर, हैविंग नो वन टू गाइड अस वी लॉस्ट आवर वे. सो सिमिलरली चिल्ड्रेन, यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट हियर. नाउ चिल्ड्रेन, लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज. अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट जी फॉर जेरेंड, पी फॉर पार्टिसिपल एंड आई फॉर इन्फिनिटिव. फर्स्ट वन इज स्विमिंग कीप्स मी इन शेप. सो यहाँ पे हम स्विमिंग को अंडरलाइन करेंगे एंड वी विल राइट जी फॉर जेरेंड. शी टोल्ड मी एन एक्साइटिंग स्टोरी. सो यर वी विल अंडरलाइन एक्साइटिंग एंड इट इज अ पार्टिसिपल. टेलिंग योर फादर वॉज अ मिस्टेक. सो टेलिंग को अंडरलाइन करेंगे एंड वी विल राइट जी फॉर जेरेंड. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रेन, एज वी हैव डन द प्रीवियस थ्री वन, वी हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन योर ओन. So with this, we have completed our chapter, children. I hope that you understood it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, take care and thanks for watching.